हेलो एवरीवन, आई एम रोमी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जस्ट शोमिंग। तो आज है 16 फरवरी और आज है वेनसडे है ना। और आज मैं वीकडेज में ब्लॉगिंग कर रही हूँ। जनरली मैं वीकेंड पे ब्लॉगिंग करती हूँ बिकॉज अंकुर घर पे रहता है, लेकिन आज अंकुर ऑफिस जा रहा है, लेकिन आज मैं ब्लॉगिंग करूँगी बिकॉज आज है हमारे लिए स्पेशल डे और आज है हमारी इंगेजमेंट एनिवर्सरी। हर वीडियो में तो आए तो आज हमारी इंगेजमेंट एनिवर्सरी। तो अभी हम लोगों ने फटाफट पूजा वगैरह कर लिया है और हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए नीचे जा रहे हैं बिकॉज अंकु को जाना है ऑफिस, तो वो जाएगा ऑफिस। तो बहुत तेज हो, तो वैलेंटाइंस और इंगेजमेंट वाला मिला करके मेरे को गिफ्ट दे रहा है। तो गिफ्ट है ना? हाँ, तो दोनों मिला के, दोनों में अलग अलग गिफ्ट होता है। थैंक यू। तो चलते हैं अभी नीचे ब्रेकफास्ट के लिए। तो अभी आ चुके हैं हम लोग नीचे अन्ना के शॉप पे और अन्ना बना रहे हैं अभी यहाँ पे मेदू वड़ा। तो मेदू वड़े में तब तक थोड़ा टाइम है, तो हम लोग तब तक मसाला डोसा खाएंगे। सो गाइज, अभी हो रहे हैं आफ्टरनून के 4 बजने वाले हैं और मैं कर रही हूँ रात के डिनर की प्रिपरेशन बिकॉज मैंने सोचा है कि आज मैं 21 तरीके के डिशेज बनाऊंगी और जो भी चीज़ें होंगी सब कुछ होममेड होंगी। तो आज का जो डिनर है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। अभी एक साइड पे बन रही है गाजर का हलवा और सेकेंड साइड पे है ये चाशनी। तो आज मैं कुछ डेजर्ट भी ट्राई करने वाली हूँ और कुछ तो बहुत ही यूनिक है और मैं पहली बार ट्राई करूँगी, तो मैंने सोचा कि आज मैं ट्राई करके देखती हूँ कि वो कैसा होता है। क्योंकि सब कुछ होममेड है तो आज मैं बाहर से कुछ भी डिनर में नहीं मंगवाने वाली, सब कुछ मैं खुद से प्रिपेयर करूँगी। और मैंने सब्जी बना ली है तो छोले बन के रेडी हो गए हैं। तो अभी मैं बना रही हूँ स्टार्टर। तो स्टार्टर में मैं बना रही हूँ ब्रेड पकौड़े और ये मैंने चीज़ बॉल बनाया है। तो मैं दो दो चीज़ें ही सब बना रही हूँ बिकॉज मैं और अंकुर ही हैं, तो मैं जो भी चीज़ें बनाऊँगी वो सब मैं दो दो बनाऊँगी मेरे और अंकुर के लिए। तो ये मैंने बनाया चीज़ बॉल, इसे मैंने गोल शेप दिया और इसे मैं सिलेंड्रिकल शेप दूंगी। तो ये हो जाएगा मेरा पोटैटो स्टफ ब्रेड कटलेट और ये हो जाएगी चीज़ बॉल स्टार्टर के लिए। तो अभी मैं बना रही हूँ ब्रेड गुलाब जामुन। इसके लिए मैंने ब्रेड, रेजिन्स एंड मिल्क और ये मैंने वाइट चॉकलेट लिया है और ये ऑरेंज फ्लेवर का वाइट चॉकलेट है। तो आज मैं इसको इसके अंदर इसकी फीलिंग करूँगी। अगर आपको इसकी कंप्लीट वीडियो देखनी है तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर मैं इसकी कम्प्लीट वीडियो डाल रही हूँ। और साथ ही मैंने चीज़ बॉल और ब्रेड कटलेट ये सारी वीडियो भी मैं वहाँ पर शेयर करूँगी, तो आप वहाँ से जाकर इनकी रेसिपी चेकआउट कर सकते हैं। ये एक परफेक्ट स्टार्टर है। ओहो, क्या लग रहा है। नाइस गजब। हमको लगा कि प्लेट है, पता है पूरे ये ऐसा कलर का प्लेट तो अपने पास नहीं था, ये जब देखे तो ऐसा सजा कर। आई लव यू। इधर से उल्टा आई लव यू। तो तुम सुबह से वही बना रही थी? सुबह से काम कर रहा हूं, नॉर्मल बनाए। ये मान को ऐसे अब गिरा हो गया ना, मैं इधर करूं तो सब थोड़ा रुक जाओ, तो सब नीचे से डाक दे रहा। बताइए इतना चीज बना के रखी है पूरी, ये रहा क्या है? ये है स्टार्टर में ये चीज बॉल और ये है आलू कटलेट, मतलब आलू ब्रेड कटलेट। आलू ब्रेड कटलेट, चीज बॉल और ये है ये है गुलाब जामुन, बट इसके अंदर चॉकलेट नहीं, अभी नहीं बताए हैं ये क्या है। तो इसमें चॉकलेट डाला है तो, और इसके अंदर मैंने चॉकलेट और रेजिन स्टफ किया है, वाइट चॉकलेट है। कौन है ये? मास्टर सेफ रूम। मास्टर सेफ रूम। तो आज पकवान बनाई है बहुत सारा, 56 भोग नहीं बोल सकते, मतलब 21 भोग बोल सकते हैं। तो अभी पूरी बनाई है, यहाँ पे लास्ट इसका स्टेज पूरी का है। पूरी गरम गरम अच्छा लगता है, सबसे एंड में पूरी। ये है राइस, तो मैं ले लेता हूँ। राइस नहीं, मैं बिरयानी बनाई, वेजिटेबल। तो वेजिटेबल राइस बनाई है। तो इसमें भी थोड़ा क्लू है। तो ये रहा टन 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 टन, ये देखिए। तो ये है हमारा
आज का खाना? नहीं अभी 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 तो सारा आ ही रहा है ना। ओके ओके, नहीं नहीं ठीक है, आप प्लेट सजाओ तब तक लोग, हम तब तक देख लें क्या मेहनत, दिन भर की मेहनत है। दिन भर की मेहनत नहीं है, 2 घंटे की मेहनत है, नहीं 2 से 15 मिनट। तो बहुत कम का मेहनत है, हमको लगा कि काफी टाइम का मेहनत होगा, तो हम सोचे बहुत थोड़ा ये होगा, तो काफी टाइम का नहीं है, तो छोटा सा काम था। ठीक है, तो ये है पकवान। अभी बिल्कुल राइस डाल देंगे उसके बाद। तो आज मैं बनाई हूँ अंकुर के लिए। क्या बनाई हूँ अंकुर? पता नहीं, बहुत सारा पकवान दिख रहा है, पूरी दिख रहा है, हलवा दिख रहा है। चलो मैं बताती हूँ मैं क्या क्या बनाया। ये है प्लेन पूरी, ये है आलू पूरी, ये है मिक्स मतलब काइंड ऑफ वेजिटेबल पुलाव कह सकते हैं, ये है लिट्टी, ये है नमकीन मालपुआ मतलब नमकीन पुआ, ये है गाजर हलवा, ये डेजर्ट है, ये है ब्रेड स्टफ्ड। इसकी रील्स आपको मेरे इंस्टाग्राम पे मिलेगी, तो आप मुझे वाह फॉलो कर सकते हैं। ये है ब्रेड गुलाब जामुन, ये है मालपुआ, ये है स्टफ्ड टोमेटो की सब्जी, ये है पीस की सब्जी, ये है स्टार्टर ब्रेड कटलेट, ये है चीज बॉल, ये तो ऐसे मिल्क है तुम्हारे लिए, ये नॉर्मल वाटर, और ये है गोलगप्पे, और इसके अंदर मैंने स्टफ किया है आलू मसाला, और ये है चावल के पापड़। ये वाला पापड़ शादी के पहले मैंने बनाया था, मम्मी दी और वापस लेके मैं मुंबई आई हूँ और फिर से बनाया। ये आलू पापड़ ये मम्मी का बनाया, ये मेरा बनाया, ये मम्मी का बनाया, कुछ भी सच्ची ये पापड़ मेरा बनाया हुआ है। ये सीम का पकौड़ा, ये आलू बॉम, और ये फूलगोभी पकौड़ा, बैंगन पकौड़ा, भिंडी पकौड़ा, ये सैलेड। आई लव यू। तो आज का ये खाना बनाया है मैंने, मैंने आज का खाना बनाया है मैंने तुम्हारे लिए, ये कह सकते हो। तो तुम नहीं खाएगी? हाँ खाएंगे। तो तुम बोली मेरे लिए बनाई है, मतलब दोनों के लिए ऑब्वियसली, मैंने सब चीज दो दो बनाया है। तो नहीं वो ब्रेड पकौड़ा, तुम चीज बॉल से ट्राई करो पहले और बताओ चीज बॉल कैसे। पहले नहीं, पहले तुम खाओ ना प्लीज। बहुत अच्छा, तुम बताओ। वाओ ऑसम, एकदम लग रहा है रेस्टोरेंट में खा रहे हैं। अच्छा लगा? बहुत अच्छा, देखो यम्मी, पूरा स्टफ चीज है, बहुत अच्छे से मेल्ट भी हो गया चीज, बहुत पसंद आया। पसंद आया? अभी कुछ खाना नेक्स्ट क्या है? ये भी स्टार्टर है, ब्रेड कटलेट है। पहले तुम खाओ ना, केचप मिला के खाओ ना, बताओ। ये नॉर्मल है। तो खाया, अच्छा खाओ। नमक थोड़ा कम लग रहा है क्या? ब्लैक सॉल्ट स्प्रिंकल करूँ क्या? तुम्हारे लिए ठीक है। बहुत ये चीज बॉल बहुत यमी बना है, इसका रील आप लोग जरूर से चेकआउट कर दीजिएगा मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगी। तो नेक्स्ट स्टार्टर अंकु खा रहा है गोलगप्पा, जो एवरग्रीन स्टार्टर है हमारे लिए। गोलगप्पा मेरा एनी टाइम फेवरेट है। कैसा लगा? बहुत ही चीज बॉल सच में बहुत अमेजिंग है। केचप मिला ना इसके साथ, पुदीना चटनी भी खा सकती है, पुदीना का चटनी काफी अच्छा। तो पहले बोलते रहो, अच्छा तुमको क्या पता हम क्या बना रहे हैं? हां तुमको क्या बना? आज फुल मून, चांद भी एकदम खूबसूरत लग रहा है, और यहाँ पे बच्चे लोग खेल रहे हैं फुटबॉल रात को। और ये रहा अंगूर खाने के बाद डेजर्ट का इंतजार, और ये रहा डेजर्ट गुलाब जामुन। बाद बाकी अंकुर ने ना गाजर हलवा टेस्ट किया, ना ही मालपुआ खाया, ना ही रसपुआ खाया। कोई बात नहीं, अब कल खा लेना। अब हम लोग डेजर्ट खाएंगे।
कैसा लगा? मस्त लगा, मस्त चॉकलेट। इसके अंदर मैंने स्टफ किया है, उनको दिखाओ। इसके अंदर मैंने व्हाइट चॉकलेट ऑरेंज फ्लेवर वाला स्टफ किया था और साथ में रेजिन्स। मतलब ये जो चॉकलेट जो अंकुर ने मुझे गिफ्ट किया था, मैंने उसी चॉकलेट का कुछ नया ट्राई करके ये गुलाब जामुन इन्वेंट किया। और सच में अंकुर, वो चॉकलेट जो ऑरेंज फ्लेवर वाला है ना, उसका टेस्ट बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। उसके रैपर में पता है जो येलो रैपर है ना, जिसके ऊपर प्लास्टिक वाला, उसके अंदर ऑरेंज फ्लेवर वाला चॉकलेट है। मतलब व्हाइट चॉकलेट में ऑरेंज फ्लेवर डाल करके और ऑलरेडी उसमें रेजिन्स डाला हुआ था, उस चॉकलेट के अंदर स्टफ था, पर मैंने और भी रेजिन एक्स्ट्रा डाला है। मस्त लगा। तो ओवरऑल मेरे को 10 में से कितना मार्क्स दोगे? 10+। 10+। बहुत खुश हुए, बहुत खुश हुए हम। पास लगे। बॉटल लाना पड़ेगा क्या? मेरा हो गया। पूरा 3 हो चुका है। बस गुलाब जामुन वाला बच्चा भी खाली हो गया। इतना भूखे था, पूरा खाली हो गया। पी लो पानी, पी लो अच्छे से, तसल्ली से। और अगले दिन तो गुड नाइट एवरीवन। अब हमको जा रहे सोने। तो होप सो आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को हमारी ये एनिवर्सरी वाली यानी एंगेजमेंट एनिवर्सरी वाली ब्लॉग अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो और सबको क्या कहना है अभी? गुड नाइट। अब मुझे बहुत नींद आ रहा है। अंकुर एक बार पेट दिखाओ। तो अंकुर का पेट पूरा टाइट हो गया और अंकुर भी जा रहा है सोने। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय ऑल।